नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, आज एक और अच्छे टॉपिक पे मैं आपको बात करूंगा। आप जैसा कि फिगर देख पा रहे हो, ये फिगर जो आप देख रहे हो, ये फिगर जो है हॉपर ड्रायर का फिगर है। आपको ये पता होगा कि हॉपर ड्रायर आप जरूर देखे होगे अगर इंडस्ट्री में हो। इसको हम कहते हैं हॉपर ड्रायर। तो आज हम जानेंगे हॉपर ड्रायर के बारे में, ये क्या होता है, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इसका इस्तेमाल होता है, क्या क्या पार्ट होते हैं इसमें, ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो पे हम जानेंगे। वीडियो को नए सिरे से देख रहे हो, नए हो चैनल पे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए लाल बटन दबा के। पुराने हो तब भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल की घंटी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ आप तक पहुँचे तो आप नोटिफाइड हो, कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं हॉपर ड्रायर के बारे में जानना। दोस्तों, क्या होता है कि कई बार आपका जो रॉ मटेरियल होता है वो उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है या मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो उसको ड्राई करने के लिए हम पर्टिकुलर हॉपर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट होने की वजह से सिल्वर जैसी गंभीर समस्या आपके प्रोडक्ट पे आ जाती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हॉपर ड्रायर बनाया गया, जिससे आपका मटेरियल पहले ही ड्राई हो जाए। प्री ड्राई कह सकते हो आप इसको, प्री ड्राई हो के जब आपका बैरल में जाता है तो वहाँ पे अच्छे से वो प्लास्टिसाइज हो पाता है और ये जो समस्याएं हैं, प्रॉब्लम है, इससे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ होता है हॉपर ड्रायर। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। देख, आप ध्यान से देख लीजिए, इंडस्ट्री में आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार से ही आपका हॉपर ड्रायर होता है। तो हॉपर ड्रायर में क्या क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये आपकी मशीन है, ये आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, ये आपकी मोल्डिंग मशीन होती। मोल्डिंग मशीन पे यहाँ पे आपका हॉपर ड्रायर लगाया जाता है। आप ये देख सकते हैं, ये इसका बेस होता है हॉपर ड्रायर का और यहाँ पे आपका हॉपर ड्रायर लग जाता है। आप यहाँ से मटेरियल डालते हो, रॉ मटेरियल, और इसमें ये ड्राई होके वापस यहाँ पे आके यहाँ पे बैरल के अंदर आपका चला जाता है। तो कुछ इस प्रकार से फंक्शन करता है आपका हॉपर ड्रायर। नेक्स्ट है, अब जानते हैं क्या क्या चीजें होती हैं हॉपर ड्रायर में। तो यहां पे देखिए, सबसे पहले ये जो एल्बो यहां पे लगी होती है हॉपर ड्रायर के ऊपर, अभी यहां पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा इस जगह पे पर्टिकुलर एक एल्बो लगा होगा। ये फिगर है, आप यहां पे देख सकते हो, यहां पे एक एल्बो जैसा लगा होता है। तो उस पर्टिकुलर एल्बो को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट एल्बो। एग्जॉस्ट एल्बो क्यों कहते हैं, क्योंकि यही यहाँ से आपका जो है एग्जॉस्ट भी होता है, आपकी जो गैसेस वगैरह होती है वो एग्जॉस्ट होती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे देखिए आप बिग कवर, ये जो आपका कवर है दोस्तों, इस पर्टिकुलर ये जो कवर है बंद है, इसको हम कहते हैं बिग कवर, मतलब बड़ा कवर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेता हूँ ताकि थोड़ा दिखने में आसानी हो। तो यहाँ पे आप देखिए लार्ज कवर लीफ लिखा हुआ है। लार्ज कवर लीफ क्या होता है, ये जो आपके कवर्स है ना, यहाँ पे देखिए साइड साइड में इस तरीके से जो है लीफ जैसा बना होता है, तो इसको हम कहते हैं लार्ज कवर लीफ, कवर लीफ। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, ये ब्लोअर है, बड़ा सा आपका ब्लोअर दिख रहा है, ये पर्टिकुलर आपका ब्लोअर होता है, गर्म हवा फेंकने का काम करता है आपका ब्लोअर। यहाँ पे देखिए बकेट विंडो, ये जो आपको दिख रही है इसको बकेट विंडो कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगी बकेट विंडो। बकेट विंडो में क्या होता है, एक ग्लास लगा होता है जिसको हम साइड, इस बकेट विंडो को साइड ग्लास भी कहते हैं। अब इसका क्या काम होता है, इससे हम देख सकते हैं मटेरियल जो है कहाँ तक है आपका, ये सारी चीज़ें आपको बकेट विंडो के द्वारा जो है दिख जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका इलेक्ट्रिकल बॉक्स, यहाँ पे एक बॉक्स बना होता है, इलेक्ट्रिकल बॉक्स उसको कहते हैं। ये जो आप बॉक्स देख रहे हो, ये पर्टिकुलर बॉक्स है आपका इलेक्ट्रिकल बॉक्स। तो इसके अंदर कई इलेक्ट्रिक चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं। उसमें क्या है कि आपके फंक्शंस होते हैं, टेम्परेचर सेट करना, ये सारी चीज़ें आपके इलेक्ट्रिकल बॉक्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग सिलेंडर। तो ये जो आपका ये है, ये पूरा आपका हीटिंग सिलेंडर होता है, ये इसको जो है इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये जो पूरा आपका है ये चीज़, तो ये आप देखिए ये सिलेंडर होता है आपका। इस सिलेंडर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकली हीट किया जाता है, इसमें हीटर लगे होते हैं। उसके बाद ये रिंग है आपकी, यहाँ पे रिंग्स लगी होती, रिंग कह सकते हैं आप, हुक्स कह सकते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये लगा हुआ है आपका, इससे क्या होता है आप उसको लॉक कर पाते हो। नेक्स्ट है टेम्परेचर सेंसर, टेम्परेचर सेंसर गेज लगा होता है कुछ इस प्रकार से, ये देखिए टेम्परेचर गेज आपको दिख रहा है। यहाँ पे बात करें तो इस जगह पे स्मॉल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, तो ये टेम्परेचर
सेंसर गेज है जो आपको टेम्परेचर सेंस करके बताता है कि कितना टेम्परेचर हुआ है। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। नीचे है बेस विंडो, ये आपकी बेस विंडो है, यहाँ पे होती है बेस विंडो, तो यहाँ से भी आप देखते हो मटेरियल को। नेक्स्ट है बेस, सबसे निचला हिस्सा जो होता है, ये वाला हिस्सा जो देखिए यहाँ स्टूल पे रखा हुआ है, ये हिस्सा आपका बेस होता है। उसके बाद स्मॉल पंपिंग बोर्ड होता है, यहाँ पे एक बोर्ड लगा होता है पंप कराने के लिए, जब कभी फंस फंस जाता है तो यहाँ से हम पंपिंग करा सकते हैं। ये कोन बकेट है आपकी, ये देखिए कोन कोन जैसा शेप है, तो इसको हम कहते हैं कोन बकेट। नेक्स्ट है अपर एंड लोअर स्क्रीन, ये चीज़ है अंदर ट्राइंगल टाइप की होगी, जब आप खोलोगे उसको तो कोन जैसा दिखेगा। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये काम क्या करता है कि कोई भी इसमें मैग्नेट लगा होगा तो वो मैग्नेट क्या कराएगा आपका, उस मैग्नेट से कोई भी अगर आपके मटेरियल में कुछ मेटल वगैरह फंसा है तो मैग्नेट जो है उसको चिपका लेता है, नीचे नहीं जाने देता, जिससे आपका प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होता। ये बिन है, बिन का मतलब है ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो बॉक्स टाइप का है, ये आपका बिन होता है, जैसे डस्टबिन होती है, तो बिन क्या एक बॉक्स है, डिब्बा है, तो उसी तरीके से ये स्टोरेज है, यहाँ पे ही आपका मटेरियल स्टोर होता है, इसलिए इसको हम बिन कहते हैं। ये बकल है, ये बकल, बकल क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए इसको खोलने के लिए जो भी आपका जो कवर होता है उसको खोलने के लिए बकल का इस्तेमाल किया जाता है, हैंडल, उसको हम बकल भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप हैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा, इसी को हम कहते हैं दोस्तों बकल। बकल के बाद बिग कवर आता है आपका, ये जो है बड़ा कवर है पूरा, तो ये बिग कवर है आपका। तो इतनी चीज़ें हैं यहाँ पे जो है आपको पता होनी चाहिए कि क्या होता है। ये हिंजेस होते हैं हॉपर के, हिंजेस मतलब ये एक तरीके, जैसे आप आपके घर में दरवाज़ा होगा तो दरवाजे के पीछे आप देखते हो इस तरीके से दरवाज़ा फंसा हुआ होता है, तीन चार हिंजेस लगे होते हैं, उसी तरीके से ये एक हिंज बोल्ट से लगाया जाता है, जिससे आप जब उसकी लिड उठाते हो, ढक्कन उठाते हो, तो प्रॉपर उठ पाए, इसके लिए हिंजेस का काम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से चलिए अब आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिकल बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें। ये आपका जो इलेक्ट्रिक बॉक्स है जिसमें आप टेम्परेचर वगैरह सेट करोगे, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती, ये देखिए पीवी लिखा है यहाँ पे, तो पीवी का मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट, याद रखिए, एक पीवी एक एसवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू और एसवी का मतलब होता है सेट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब कितनी कितना आपका आ रहा है, सेट वैल्यू जो आपने सेट किया है, बस सिंपल सी बात। इसी को हमने यहाँ कहा रियल टेम्परेचर और सेट टेम्परेचर, मतलब सेट टेम्परेचर यहाँ आप कितना टेम्परेचर सेट कर रहे हो, ये रियल टेम्परेचर है। पैरामीटर सेट करने के लिए यहाँ पे देखिए लिखा है प्रेस 3 सेकंड्स फॉर पैरामीटर सेटिंग, इस बटन को 3 सेकंड के लिए जो है प्रेस करके रखेंगे तो पैरामीटर्स आप सेट कर सकते हैं। प्रेस सेट एंड ये देखिए तीन अलग अलग चीज़ें दिखें, अप डाउन करने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने के लिए, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें सेटिंग कर सकते हैं। कुछ टेम्परेचर है प्री ड्राइंग, उसके बारे में जान लेते हैं। रॉ मटेरियल दिया गया, जैसे ABS, ABS को 80 डिग्री सेल्सियस या 176 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 2.5 आवर्स के लिए प्री ड्राई किया जाता है। PEPP मतलब पॉलीएथिलीन पॉलीप्रोपिलीन, उसको 90 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए। PU मतलब पॉलीयूरीथेन को 90 डिग्री सेल्सियस 2.5 आवर्स के लिए 2.5 घंटे के लिए। फिर PA है पॉलीअमाइड्स, आपके नाइलॉन वगैरह जो है पॉलीअमाइड ग्रुप में आते हैं, इसको 75 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 आवर्स। PC मतलब पॉलीकार्बोनेट 120 डिग्री सेल्सियस 2.5 आवर्स। PPT पॉली प्रोपिलीन टेरेप्थेलेन, जो PPT मटेरियल होता है इसको 130 डिग्री सेल्सियस 2.5 आवर्स के लिए। तो ये था हमारा दोस्तों हॉपर ड्रायर। उम्मीद करता हूँ आपको हॉपर ड्रायर आज पता चल गया होगा कि डिटेल में उसके एक एक पार्ट एक एक पुर्जे का मतलब क्या होता है, क्या चीज़ होती है आपकी हॉपर ड्रायर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, या कुछ नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स पे जाइए, और चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए हमारा ऐप प्लास्टोटेक डाउनलोड करिए, इंजेक्शन मोल्डिंग कोर्स उसमें एनरोल करिए और सीखिए हमारे साथ प्लास्टिक्स, उससे रिलेटेड या और इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें, सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे हम। और इसी तरीके से जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।